हेलो एवरी वन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट टूटोरियल इन दिस वीडियो वी विल भी टॉकिंग अबाउट रुनेसा होपफली यू हैवस्ड ऑलर वीडियो प्रीवियस अपलोड्स सो आज हम बात करेंगे रिनेसा के बारे में रुनेसा का जो मीनिंग है वो है आपका इंटेलेक्चुअल रिवर्थ इंट रिबर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं ब्रिटेन की बात कर रहे हैं या ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं कि उसमें इंटेलेक्चुअल रिबर्थ कैसे आया यही रिनेसा वर्ल्ड का मीनिंग है द डिस्कवरी ऑफ मैन काइंड ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ द वर्ल्ड तो यहाँ पर हम बात करें कि जो मैनकाइंड ने खुद की डिस्कवरी की और वर्ल्ड की डिस्कवरी की और ये फिर से आप लोग थोड़ा सा मतलब दिमाग में आप बिठा के चलिए कि ब्रिटेन की बातें हो रही हैं और ब्रिटेन में जो रिबर्थ की बात हो रही है वो इंग्लिश लिटरेचर में फिर हम उसी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं तो जो ब्रिटेन ने ख़ुद को किया डिस्कवर किया वर्ल्ड को डिस्कवर किया वो सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिनीसा वॉज़ द रिज़ल्ट ऑफ थ्री इम्पल्स तीन जो इम्पल्सेस थी वो Uh, कैसे वो इम्पॉर्टेंट इम्पल्स कौन कौन सी थी या कौन कौन से रीज़न थे जिससे कि रिनेसा आया तो उसमें एक चीज़ ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेट वॉइज़ ऑफ डिस्कवरी तो उस टाइम पे क्या हुई थी बहुत सारी डिस्कवरीज़ हुई थी लोग uh, समुद्री यात्राएं शुरू हुई थी और एक जो हिस्टोरिकल uh, इवेंट था वो था आपका कि जो टर्कस uh, थे उन्होंने क्या कर लिया था कॉन्स्टेंटीपोल को कैप्चर कर लिया था 1453 में तो जो अगर हम बात करें यहाँ से यूरोप तो यूरोप क्या हो गया था बाकी वर्ल्ड से कट गया था नीचे आप लोग देखेंगे कि ये आपका अफ्रीका था और जो पूरा घूम के उन्हें आना पड़ रहा था तो पूरा कहाँ तक ये पूरे समुद्री यात्राओं से होते हुए आना था उनको तो जो वॉइज़ थी वो बहुत इम्पॉटेंट हो गई थी उस टाइम पे तो एक बड़ा इम्पेक्ट था कहीं ना कहीं वॉइज़ का किस चीज़ पर रिनेसा पे या हम बात करें कि रिबर्थ ऑफ नॉलेज पे क्योंकि हर जगह नई नई तरह की खोजें हो रही थी और नई नई तरह की डिस्कवरीज हो रही थी तो अब चलते हैं आगे यहाँ पर हम बात करेंगे रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग की कि जो क्लासिकल लर्निंग थी उसका भी रिवाइवल हो रहा था क्लासिकल लर्निंग के बाद बर्थ ऑफ बर्थ प्लेसेस इटली और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बर्थ uh, प्लेस है रिनेसा का वो कौन माना जाता है तो वो है आपका इटली रिनेसा वॉज द रिजल्ट ऑफ थ्री इम्पल्सेज जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि रिनेसा जो है तीन जो इम्पल्सेस थी जो इम्पोर्टेंट फोर्सेस थी वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे कि रिनेसा शुरुआत हुई या स्टार्टिंग ऑफ रिनेसा हुई द इंस्परेशन डिराइव्ड फ्राम द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग जो क्लासिकल लर्निंग थी वो ब्रिटेन तक कहीं ना कहीं पहुँच रही थी यूरोप तक कहीं ना कहीं कही पहुँच रही थी उसकी वजह से एक इंस्पिरेशन मिला द स्ट्रिंग ऑफ मैंस इमेजिनेशन बाय ग्रेट वॉइज ऑफ डिस्कवरीज जब लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में जाना शुरू हुए वॉइज़ के थ्रू तो कहीं ना कहीं उससे जो इमेजिनेशन थी वो स्टर हुई और उस इमेजिनेशन से काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई द्रिट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन विच बिगेन इन जर्मनी और जो स्प्रिट ऑफ uh, हम बात करें कि जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन हो रही थी जो जर्मनी से शुरू हुई थी वो वो स्प्रिट भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन तक पहुंच चुकी थी और ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही थी उस टाइम पे कुछ चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश लिटरेचर में आप लोगों को तो दो तीन चीज़ें सोच के चलनी है एक है आपका कि आपको उसमें रटना पड़ेगा ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें मगह करके चलनी चलनी चाहिए और शुरुआत में तो जितना मगह हो जाए उतना बढ़िया दूसरी चीज़ ये दूसरी चीज़ ये है कि आपको जितनी ज़्यादा आप रीडिंग कर पाए उतना बेटर है हर दिन कम से कम एक या दो वर्क डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर डिटेल में नहीं होती तो डिटेल समरी ज़रूर पढ़िए और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं अपने एग्जाम्स के लिए टी जी टी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ मान के चलिए कि टी जी टी, जी टी सिर्फ रट के ही निकाला जाता है समझ के नहीं निकलेगा मगर आप समझने के लिए जाएंगे तो आप इंग्लिश लिटरेचर में आ, समझते ही रह जाएंगे कुछ कुछ पॉइंट्स को आप आ, बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे लेकिन टी जी टी एग्ज़ाम्स का नहीं निकाल पाएंगे ठीक है तो वहाँ पे आप लोग इस तरह के शॉर्ट नोट्स को खूब मगप कीजिए ये आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स आपके बढ़ा लेते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एनियट ये आपका गाउन डगलस का है ड्रीम ऑफ रूट ये सिनेवल्फ से रिलेटेड है डांसिस ऑफ सेवन सेवन डेडली सिंस विलियम डनबार पैराफ्रेजिस कैडमिन कन्फेस्यो अमेंटिस जॉन गावा इसके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट भी बताया था एंड फॉल्स ऑफ प्रिंस लिडगेट एंड पायर्स डिप्लोमेंट लैंगलैंड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जियोफ्री ऑफ मनमत इंग्लिश वर्जन ऑफ बाइबल ये जॉन वाइकलिप का है एंड ब्रुट ब्रुट जो है ओ लेमन का है तो इस तरह के जो शॉर्ट नोट्स हैं इन्हें आप लोग आ, बना सकते हैं अपने फ्लैश कार्ट्स और फ्लैश कार्ड से आप बहुत अच्छे से इसे याद भी कर सकते हैं अब बात करते हैं कि रिनेसा पीरियड में जो पोइट्री थी उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है वो है आपका सर थॉमस वाइट फिफ्टीन जीरो थ्री टू फोर्टी टू एंड हैंनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ये अर्ल थे सरे इज़ अ प्लेस सो फिफ्टीन टू फोर्टी सेवन एंड दे बोथ वर इटालन ट्रेवलर पोइट्स दोनों के दोनों ट्रैवलर थे जैसे कि मैंने कहा कि वॉइज़ का बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर तो दोनों के दोनों इटली से आए थे दोनों इटालियन ट्रैवलर थे द बुक दैट कंटेंस देयर पोएम्स सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स उसको हम कहते हैं टोटल्स मिसलेनी ये पब्लिश हुई थी आपकी फिफ्टीन फिफ्टी सेवन में अब आ जाते हैं नीचे वाइट इंट्रोड्यूस्ड सोनेट पेट्राकन फॉर्म तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइट ने कौन सा फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था वो था आपका पेट्राकन फॉर्म एंड पेट्राकन फॉर्म में बेसिकली ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं आउट एट लाइंस का स्टेंजा होता है सेस्टेट सिक्स लाइंस का स्टेंजा होता है और इसमें आपकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी बी ए, ए बी बी ए और लास्ट का जो सेस्टेट होता है थ्री थ्री लाइन का तो होता है सी डी ई सी डी ई ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इटालियन ट्रेजर राइमा एंड ऑटोवा राइमा तो अगर पूछा जाए कि इटालियन ट्रेजर रिमा और ऑटोवा रैमा किसने इंट्रोड्यूस किया था तो वो भी सेम पर्सन था वाइट उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था हेनरी हावर्ड आल ऑफ सर फिफ्टीन सेवनटीन टू फिफ्टीन सेवन ट्रांसलेशन ऑफ टू बुक्स उन्होंने दो बुक का ट्रांसलेशन किया था एनी uh, की जो टू बुक्स थी उसे उन्होंने ट्रांसलेट किया था सरे वॉज द फर्स्ट पॉइंट टू यूज़ ब्लैंक वर्ड्स और अगर ये पूछा जाए कि ब्लैंक वर्ड्स का फर्स्ट यूज़ किसने किया था इट वॉज़ सरे तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि हेरिक कपड़े का सबसे पहले यूज़ किसने किया था अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्योंकि हम इसे पिछली वीडियोज़ में डिस्कशन कर चुके हैं थॉमस सैकवल थॉमस सैकवल फिफ्टीन थर्टी सिक्स टू सिक्सटीन जीरो एट द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट कंपाइलेशन ऑफ सीरीज़ ऑफ़ स्टोरीज़ उन्होंने बनाया था और एक लिखा था उन्होंने द इंडक्शन ये एलिगोरिकल फॉर्म थी ऑफ रोमन रोज रिटन इन चौसेरियन एस्टेंजा तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राइट पोइट्री में याद रखने हैं थॉमस वाइट हो गया और हैं हावर्ड हो गए और थॉमस सेक्विल हो गए तो चलते हैं आगे अब आ जाते हैं प्रोज ऑफ़ दस इसमें जो प्रोज थी उसके बारे में बात करते हैं तो डेसिडेरियस इरासमस नोन डच स्कॉलर तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे डच लैंड से आने वाले थे और हिज़ वर्क प्रेज ऑफ फॉली रिटन इन लैटिन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश तो इन्होंने किस में लिखा था लैटिन में एक वर्क लिखा था खुद का प्रेज ऑफ फॉली सर थॉमस मोर यूट्यूब क्या इनका बहुत फेमस वर्क है 1516 में ये पब्लिश हुआ था बहुत सारे सारी पूछा गया है इट वॉज ऑल्सो रिटन इन लैटिन एंड फिफ्टीन ट्रांसलेटेड by राल्फ Robinson तो राल्फ Robinson ने इसको ट्रांसलेट किया था 1551 में लिखा कब गया था 1516 में जबकि translated uh, by राल्फ Robinson इन फ़िफ्टीन it is इट इज़ ट्रू Renaissance टू is इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट मोनूमेंट ऑफ़ द मॉडर्न तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो इसे ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसा कहा गया है दूसरा इसे मॉडर्न सोशलिज्म का एक फर्स्ट uh, मॉन्यूमेंट भी कहा गया है रॉजर एसचम ट्यूटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द स्कूल ऑफ़ शूटिंग इन फिफ्टीन एंड द स्कूल मास्टर फिफ्टीन द फर्स्ट इंग्लिश स्टाइलिस्ट जो रॉजर एसचम है इन्हें फर्स्ट इंग्लिश स्टाइलिस्ट कहा जाता है रिफॉर्मर की बात करें तो एक uh, इस पीरियड में आपके रिफॉर्मर हुए जॉन uh, टंडल 1484 ऐटी फोर टू फिफ्टीन थर्टी सिक्स द ट्रांसलेशन ऑफ़ द बाइबल एंड द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर एंड ट्रेस ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टमेंट और उन्होंने न्यू टेस्टमेंट को ट्रांसलेशन भी किया था दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द ऑथोराइज वर्जन ऑफ बाइबल और जो बाद में किंग uh, जॉन वाली ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल बनी थी उसका बेसिस भी इसी को माना गया था ड्रामा की बात करें इस पीरियड में, में दिस पीरियड मार्क्स द रियल बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा और यहाँ से ही जो हम बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट कॉमेडी है रॉल फ्रॉएस्टर डोस्ट्रा वो भी इसी पीरियड में रोनेसा में शुरू हुई थी एंड इट इज़ अ प्ले इन फ़ाइव एक्ट तो जो राल फ्रॉएस्टर डॉस्ट्रा फिफ्टीन फिफ्टी थ्री में अब देखिए माइनस टू करेंगे तो फिफ्टी वन हो जाएगा ओके तो अभी हमने देखा था कि इसमें ट्रांसलेशन हुआ था यूटोपिया का तो इस तरह से आप कहने कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को तो अ प्ले इन फ़ाइव एक्ट्स और ये फाइव एक्ट्स में एक प्ले है ग्रामर गर्ड इज नीडल फिफ्टीन सेवनटी फाइव में या अनोन राइटर इसका राइटर जो है वो अन है फेरिक्स एंड पर्कस बेटर नोन एज कावेडक इसे काबडक के नाम से हम लोग जानते हैं फिफ्टीन सिक्सटी टू सो दोनों के दोनों देखिए ये दोनों अगर आप देखेंगे दोनों के दोनों ईयर्स आप देखेंगे तो नियर बाय है ये फिफ्टी थ्री है ये सिक्सटी टू है ठीक है तो आपको प्लस इलेवन भी अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा दोनों की ना जो पब्लिकेशन ईयर्स हैं वो आप लोग याद रखिए ठीक है माइनस वन कर देंगे तो ये देखिए फिफ्टी वन आ गया आपका तो इसी तरह से अगर एक केस के आप पूरे याद करना चाहते हैं सारी चीज़ें तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा या फिफ्टी थ्री सिक्सटी टू एंड सेवेंटी फाइव इस तरह से फिफ्टी वन इस तरह से सिर्फ लास्ट के याद भी रखेंगे तो आपको सारी जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं वो याद हो जाएंगे पेरिक्स एंड पॉरिक्स बेटर नोन एज गार्डनिंग फिफ्टीन सिक्सटी टू थामस नॉटन एंड थॉमस सेकवल ने इसे वी कैन से इट वॉज अ ज्वाइंट वेंचर उन दोनों ने ये साथ में मिलकर लिखा था फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स वॉज यूज फॉर ड्रोमेटिक पर्पज़ और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्लैंक वर्स जो है फ़र्स्ट टाइम ड्रोमेटिक पर्पज के लिए यूज़ हुआ है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी एंड डायरेक्ट फॉरनर किड्स स्पेनिश ट्रेजडी और इस्पेनिश ट्रेजिडी इसके जस्ट बाद लिखी गई है लेकिन इसको क्या किया जाता है फेरेक्स एंड पॉरेक्स को या गाबडक को जो है उसको फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी माना जाता है सो वी हैव डन दिस मच डिस्कशन ही अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फ्लावरिंग ऑफ रिनेसा की सो हिट सब्सक्राइब बटन एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं इस सीरीज़ को और होपफुली ये आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर